वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, और अगर नहीं चल रही है तो अभी करना शुरू कर दो, क्योंकि कभी भी लेट नहीं होता है। मेरी लाइफ का अपडेट ये चल रहा है कि मेरी तबीयत बहुत बेहतर है पहले से, अभी मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, इसलिए आपके आगे इतनी पूरी एनर्जी से आई हूँ। मैं ये एनर्जी अपने अंदर की आपके अंदर ट्रांसफर करना चाहती हूँ पेपर तक के लिए, उसके बाद वापस ले लेंगे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक देखते रहना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो का जो टॉपिक है ना, वो स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाला है, DSSB TJT PGT के लिए जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं। ये कोई भी यूजलेस वीडियो नहीं है, ये आज आपका माइंड खोल देगा। बैठ जाओ, लास्ट तक देखना, कोई भी लेट के वीडियो नहीं देखेगा, मेरा वीडियो लेट। हाँ जी, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। थंबनेल देख के आपको पता चला होगा कि एग्जाम जो है DSSB के TGT और PGT के पोस्टपोन हो जाएंगे। ऐसा किसने कहा? बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे टीचर्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, दे आर जस्ट स्प्रेडिंग द र्यूमर्स ओनली। अब इसे र्यूमर माने या सच्चाई माने, देखो अगर हम इसे सच्चाई मानते हैं तो हमें ये चीज़ कॉन्फिडेंस लानी चाहिए कि यार हमें तो अब टाइम मिल जाएगा पढ़ने का। और अगर ये सच्चाई नहीं, एक र्यूमर है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा भाई, लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो टाइम था वो हमने सारा का सारा सिर्फ बैठ के सोचने में कर दिया। अभी हमने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा कि मान लो एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो जाएगा, ठीक है। आप जब पढ़ रहे होगे, अगर आपका मन नहीं कर रहा होगा, तो पहले हम अपने आप को ना निकालते हैं एकदम कि यार ठीक है पढ़ना है, उठ जा बैठ जा, एग्जाम आने वाला है, और हम पढ़ने बैठ जाते हैं। बैक टू बैक हम पढ़ते भी हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे मन में कहीं ना कहीं यूट्यूब पे हम देख चुके होते हैं कि यार एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं एक पॉइंट घुस जाते हैं कि एग्जाम तो पोस्टपोन जाएगा, चल सो जाती हूँ, क्या पता पोस्टपोन ही हो जाए, इतना पढ़ने का क्या फायदा, बाद में भी पढ़ सकते हैं ना, हमारे पास अभी बहुत सारा टाइम है। तो काफ़ी सारे ये सब चीज़ें फैल रही हैं, है ना। लेकिन क्या आपको सच में लगता है एग्जाम पोस्टपोन होगा? देखो अगर आप इसमें मेरा ओपिनियन मानोगे, काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट किया कि मैम आप बताओ इस टॉपिक पे आके बोलो बोलो बोलो, तो ठीक है मैं आई, मैंने कहा नहीं यार लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस कि एग्ज़ाम मेरे हिसाब से कोई पोस्टपोन नहीं होगा। मैंने भी उन लोगों के वीडियोज़ देखे जो लोग ये कह रहे थे कि एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन होगा, तो उन लोगों ने रीजन्स ये बताए कि UGC नेट का एग्ज़ाम, NTA ने जो भी कराए, ठीक है, वो सब एग्ज़ाम्स जो हैं वो कैंसिल हो गए हैं, अब उनके रीडेट्स आ रहे हैं, री एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो अब भाई DSSB में भी एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है। ये कैसा रीजन है यार? यू आर गोइंग टू बी अ टीचर, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, हमें लॉजिक खुद लगाने चाहिए कि क्या ये लोग जो पॉइंट बोल रहे हैं, इज़ इट वैलिडेटेड, ये क्या वैलिडेट करता है, इसके साथ कोई वैलिडेशन है आपस में? कोई वैलिडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक र्यूमर फैलाई जा रही है। या तो उन लोगों के कोर्सेज पूरे नहीं हुएंगे, उनकी क्लासेस पूरी नहीं हुई होंगी, तो वो अपने क्लासेस कोर्सेज को पूरा करने के लिए कर रहे होंगे, और मे बी यूट्यूब पे अपने आप को वीडियो को वायरल करने के लिए कर रहे होंगे, और एनी अदर सच रीज़न उनके हो सकते हैं। बट मैं एज योर अच्छी वाली दीदी, वो आपके लिए हमेशा यही सजेशन देगी कि यार आपको एग्ज़ाम अगस्त एंड या फिर सितंबर बिगनिंग में एग्ज़ाम को डाल के चलना है माइंड में, और आपके पास 2 महीने बचे हैं, और अपनी पूरी की पूरी जान लगा देनी है कि इस बार का DSSB में TGT या PGT मुझे बनना है, 1 साल 2 साल और बेरोजगारी का अब आप नहीं झेलेंगे। आप ये सोच के चलिए, और कोई भी एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा, एग्ज़ाम इज़ ऑन टाइम। जो ये यूट्यूब पे बहुत सारे बेफालतू के डिस्कशंस चल रहे हैं, स्टॉप दीज डिस्कशंस यार, उनको नहीं मैं बोल रही, आपको बोल रही हूँ, यूजलेसली लोगों के साथ देखना बंद करो यार, टाइम वेस्ट मत करो, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। अब अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको खुद को सेल्फ इवैल्यूएट भी करना है, क्या मैं सही तैयारी कर रही हूँ। देखो देयर आर 2 टाइप ऑफ कैंडिडेट, 1 हु इज जस्ट बिजी इन कवरिंग द सिलेबस, NCERT की बैक टू बैक बुक्स पढ़े, मल्टीपल टाइम्स दे हैव स्टडीड द बुक, ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी, दूसरी चीज़ उन्होंने कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाया, दूसरा पर्सन ये है कि ये थोड़ा सा टॉपिक पढ़ता है, मॉक टेस्ट देता है, एनालिसिस करता है, देन अगेन कुछ पढ़ता है, फिर मॉक टेस्ट देता है, फिर एनालिसिस करता है, तो इन दोनों में से मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ये वाला जो कैंडिडेट होगा ये सिलेक्शन लेके जाएगा। क्योंकि आपको किसी भी एग्ज़ाम हो, लाइफ हो, कोई भी चीज़ हो, सेल्फ इवैल्यूएशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि
अगर आप सेल्फ इवैल्यूएट करते हो तो देन यू विल रियलाइज कि यार सेल्फ इवैल्यूएशन से हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट ही आती है. हम इवैल्यूएट करते हैं हम कहाँ शॉर्ट कर रहे हैं, कहाँ पे हमारे अंदर कमियाँ आ रही हैं. तो अब ये सेल्फ इवैल्यूएशन आएगा कहाँ से? तो सेल्फ इवैल्यूएशन आएगा बाय गिविंग मॉक टेस्ट. अब मॉक टेस्ट के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स. वन इज ऑलिव बोर्ड, एसएससी ट्यूब, बैंकर्स अड्डा, टेस्ट बुक, ग्रेड. लेकिन कहाँ पे टेस्ट आपको ज़्यादा अच्छे मिल जाएंगे जो DSSB के लिए रेलिवेंट होंगे, जैसे कि टेस्ट बुक. टेस्ट बुक में मेरे को ये चीज़ सबसे बेस्ट लगी, तीन चीज़ें बेस्ट लगी, नॉट ओनली वन, तीन चीज़ें बेस्ट. पहला, यहाँ आपको लाइव टेस्ट मिल जाएगा. आफ्टर एवरी 3-4 डेज यू विल गेट वन लाइव टेस्ट ऑफ एनी अदर ऑफ एनी एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. लाइक DSSB TGT मैथ्स के लिए यहाँ पे आपको लाइव टेस्ट मिलेगा, DSSB TGT SST के लिए, साइंस के लिए, हिंदी इंग्लिश सबके लिए मिल रहा है यार. फ्री में टेस्ट है, सिर्फ एक पास प्रो खरीदना है और फिर वहाँ पे आपको आके आपको मल्टीपल टेस्ट आप दे सकते हो. ये चीज़ अच्छी है. दूसरा, आपको यहाँ प्रीवियस ईयर, लोग प्रीवियस ईयर के लिए अलग से बुकें खरीदते हैं. ठीक है, खरीद लो, वो भी अच्छा एक ऑप्शन है. मैं ये नहीं कह रही दैट ऑप्शन इज़ बैड, दैट ऑप्शन इज़ ऑल्सो गुड. मैं भी बहुत बार रिकमेंड करती हूँ कि प्रीवियस ईयर की बुक्स खरीद लो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम ऑनलाइन देखते देखते कुछ और चलाने लग जाते हैं. मे बी वो व्हाट्सएप हो सकता है, मे बी वो इंस्टाग्राम हो सकता है, तो हम कभी कभी ऐसे डाइवर्ट हो जाते हैं. तो ऐसे केस में बुक भी खरीद लो. और उसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट बुक के प्लेटफॉर्म में आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे. प्लस 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 हर टॉपिक के टॉप 10-20 क्वेश्चन मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, वो भी आपको एक जगह पे मिल जाएंगे. एक कॉपी बना लो, वहाँ पे जाके एनालिसिस को अच्छे से अपने लिखो. इसका एनालिसिस कैसे करना है वो मैं आपको एक वीडियो अलग से बना के बताऊंगी. थर्ड इम्पॉर्टेंट अपडेट जो मुझे एक आपसे आज बात करनी थी, कि क्या आप सभी ये चाहते हो कि मैं सिलेबस आया था DSSB में, एक इंडिकेटिव सिलेबस आया था DSSB का, एक इंडिकेटिव सिलेबस आया था. तो क्या मैं उस इंडिकेटिव सिलेबस को पर्टिकुलरली देख देख के हर किसी के लिए स्पेशली बुक बताऊं कि ये वाला टॉपिक इस बुक में, इस चैप्टर में दे रखा है? ऐसे करके आप पूरे टॉपिक्स कवर कर लोगे. उसके बाद बात आती है कि मैडम आपने कहा था कि सब्जेक्ट वाइज आपके कुछ वीडियो वो आएंगे, नोट्स आएंगे, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई डिस्कशन होना चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताना, देन आई विल डू दिस. और तीसरी बात ये है कि आपको मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आ रहा है, क्या आप लाइव टेस्ट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, पास प्रो खरीद लिया है या नहीं खरीदा है, वीडियो के कमेंट में मुझे कमेंट करके, वीडियो के लिंक में कमेंट करके बताओ. और लास्ट अपडेट जो मुझे आज आपको एक और देना है कि अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि वीडियो तो थोड़ा लेट हो सकता है बट मैं उसमें छोटे छोटे से अपने वॉइस नोट्स, अपनी सुरीली आवाज के वॉइस नोट्स डालती रहती हूँ जो आपको मोटिवेट करेगा पढ़ने के लिए. एज यू नो मेरे अंदर बहुत एनर्जी होती है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है जो कि मैं इजीली किसी भी बच्चे के अंदर ट्रांसफर कर सकती हूँ. व्हेन आई स्पीक टू समवन तो वो एनर्जी फील होती है, क्योंकि आपको एनर्जीज जो होती हैं वो आसपास कहीं ना कहीं आपके अंदर आती हैं. तो इसलिए ऐसी अपनी सराउंडिंग्स रखो जो पॉजिटिव लोगों की हो. और मेरी एक सलाह आपके लिए, प्लीज़ इंस्टाग्राम थोड़े दिन के लिए अनइंस्टॉल कर दो और सिर्फ पढ़ना चालू कर दो. और आप में से कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि यार ये सोशल मीडिया उन्हें बंद करना है, ये भी मुझे कमेंट में बताओ. और आपके क्या क्या डाउट्स आने वाले हैं, बैक टू बैक वीडियोज़ आएंगे, सबके डाउट्स सॉल्व किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देर है पर अंधेर नहीं है. बाय द वे, अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाना, बिकॉज सारी की सारी अपडेट वहाँ पे आपको मिलती रहेगी.